सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ आए हैं। मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए, मेरे लगे कुटिया भी महलोसी, मेरे सपुरात आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे भोलेनाथ आए हैं। हो सारी सेवा करते रहेंगे। वाला था भगवान भोलेनाथ की सवारी, हाँ, और इस पूरे हमारे कथा पांडाल के आस पास में बड़े उल्लासित होकर के और अपनी क्रीड़ाएं कर रहे हैं। जय हो, ऐसे कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, कभी इधर से भागना कभी इधर से भागना, जैसे वो भी हमको इशारा कर रहे थे, देखो जब हम प्रसन्न हैं और हम भोलेनाथ की सवारी हैं, तो ये निश्चित बात है कि जब भोलेनाथ की सवारी प्रसन्न चित्त मुद्रा में है तो भोलेनाथ फिर अवश्य आने हैं। ये हमारा प्रथम संकेत था भोलेनाथ का आने का, और मुझे तो भरोसा है कि भोलेनाथ आ चुके हैं, क्योंकि हम उनकी सवारी गड़ी नंदी महाराज ने संकेत दे दिया। और जिनको लगता है कि भोलेनाथ आ गए हैं, भैया उनके लिए तो फिर स्वागत बनता है ना, और स्वागत बनता है तो ऐसे स्वागत थोड़ी होगा। तो हाथ उठा कर जय हो, जय हो।
आए हैं सजा दो कर दुल्हन का भोले सरकार आए हैं पधारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की बिछा दो अपनी पलकों को दिखा दो अपनी पलकों को क्योंकि मेरे भोलेनाथ आए हैं बिछा दो अपनी पलकों को मेरे भोलेनाथ आए हैं लगे कुटिया लगे कुटिया बेलोसी मेरे भोलेनाथ आए हैं सजा दो दुल्हन सा मेरे भोलेनाथ आए हैं लगे कुटिया भी बेलों सी मेरे भोलेनाथ आए सजा दो फूल सजता मेरे भोलेनाथ आए ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले
भोलेनाथ के स्वागत के लिए हमने अपने मन मंदिर को सजा करके तैयार कर लिया है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो आइए हम शिव महापुराण के माध्यम में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले जानने का तो सबसे पहली बात समझने की तो ये है कि भगवान शिव कौन है। भगवान शिव कौन है? शिव कहते किसे हैं? क्या शिव कोई देवता है? क्या शिव कोई अवतार है? जब तक हम शिव को नहीं समझ पाएंगे तब तक शिव महाप्राण को भी समझ नहीं पाएंगे। शिव भगवान श्याम सुंदर का, भगवान कृष्ण का ही मूल स्वरूप है। प्रेम से बोलो हर हर। भगवान भोलेनाथ कोई अलग नहीं है। भगवान भोलेनाथ भगवान कृष्ण का ही मूल स्वरूप है। हर व्यक्ति के दो रूप होते हैं। हर व्यक्ति के दो रूप होते हैं। एक बालक है, पीछे आपका एक छोटा सा बालक है,